जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम सीखेंगे एडिशनल कॉस्ट और परचेज के बारे में। इससे पहले जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया था उसे फाइनल कर ले, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, क्या परचेज किया गया है 20 पीस, क्या है ESP, BRA, मॉडल नंबर जो भी कंटेक्ट, स्पीकर है, क्या है स्पीकर है, तो इनवाइस नंबर क्या है 455। चलिए वाउचर में F9 से परचेज वाउचर, और आइटम खरीद रहे हैं ना, आइटम ले रहा है ना, तो चेंज कर देंगे ना इसका मोड, चेंज मोड और आइटम कर देंगे। इनवॉइस नंबर है 455। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम सब लोग सामने देखते रहिए, पार्टी का नाम है SP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली की कंपनी है, क्या है SP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली की कंपनी है, जब दिल्ली की है तो लोकल लोगों का इंटरेस्टेड होगा, इंटरेस्टेड होगा। और आइटम का नाम थोड़ा सा भयंकर टाइप का है तो बना लीजिए इसको, ठीक है? स्पीकर है, स्पीकर, ठीक है, इंटर इंटर, अच्छा पता चल जा रहा है ये क्या है, स्पीकर है, किस कंपनी का ये पता चल रहा है, SP का है, पीसेस में होगा। लोकेशन क्या दिया, वेयर हाउस की गोडाउन, क्या शॉप, शॉप क्वांटिटी कितनी है 20 मिल खरीद रहा है, अब कितना, अब 5 फ्री मिल रहा है, क्या 5 फ्री मिल जा रहा है, यानी टोटल कितना मिला आपको, टोटल मिला 25, लेकिन आपने बिलिंग कितना कर दिया 20 का, और रेट क्या लिया, रेट रहा 400 रुपये, और क्या लगा देंगे IGST 1440, सही है, मैच कर गया, बस इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट लीजिए, काम खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको, एडिशनल परचेज, सबसे पहले जो सेपरेट वाला आपने इनेबल किया है इसको बंद कर लीजिए, क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए, कैसे बंद करेंगे, F11 से था ना, और लास्ट ऑप्शन था, इसको क्या करेंगे, डिस्काउंट वाला भी बंद कर दिया जाए क्या, छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन करना है, क्या एडिशनल परचेज, सुनिएगा ध्यान से, एडिशनल परचेज का यूज कब किया जाता है, गुड्स परचेज करने के बाद उस गुड्स को सप्लायर की शॉप गोडाउन से अपने शॉप गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च, उसे क्या बोलते हैं, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज, यानी एडिशनल कॉस्ट, जैसे मान लो मैंने रिमोट खरीदा 10 रुपए का और मैंने इसको 10 रुपए दे के इसको पैक करा दिया, तो पैकिंग चार्ज हुआ, तो इस अब रिमोट की वैल्यू कितनी होगी, 20 के करीब में आ गई ना, क्योंकि पैकिंग भी 10 रुपए का होगा, 10 रुपए का इसका रिमोट था, यानी चार्ज बढ़ गया ना, तो याद रखिएगा कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में अगर चार्ज होता है तो उस चीज की वैल्यू बढ़ती है और डिस्काउंट होता है तो घटती है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, और दिया हुआ है कि एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज यस करना पड़ेगा, कहां जाके वाउचर टाइप में, ऑलरेडी यस रहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि परचेज किया जा रहा है 2 पीस LED मॉनिटर किस रेट से, 5000 से, और 1 पीस डेल वस्तु लैपटॉप भी 30000 का, यानी 2 आइटम आप खरीद रहे हैं, ठीक है, किससे खरीद रहे हैं, डेल INC से, डेल INC, सबसे पहले इनवाइस नंबर देख लीजिए, इनवाइस नंबर GST 75 दिया है, इनवाइस नंबर हो गया GST 75 75, इंटर। पार्टी का क्या नाम है, डेल INC, कहाँ की पार्टी है ये, देखिए कहाँ की, उत्तर प्रदेश की है, सामने देखिए, सामने देखिए, उत्तर प्रदेश की है, तो लोकल होगा, इंटरेस्ट है लोकल होगा। आइटम का नाम क्या है, आइटम का 2 नाम है, 2 आइटम है यहाँ पे, LED, डेल LED मॉनिटर है 2 पीस, डेल LED मॉनिटर है 2 पीस, लोकेशन वेयर हाउस 2 पीस है, और रेट कितना है 5000 करीब, और एक खरीद रहे आप लैपटॉप है, कौन सा लैपटॉप है, डेल ओस्ट्रो एक पीस है, वेयर हाउस के 1 पीस और 30000 के रेट से, है ना, बस हो गया दोनों आइटम ना। अब नीचे आएंगे यहाँ पे, अब क्या क्या करना है, याद रखिएगा आइटम के बाद जहाँ CST लगता है वहीं डिस्काउंट की भी बात होती है, वहीं चार्जेज भी लगते हैं, ये बात पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो आइटम के नीचे हम आ गए और कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट मिला है, यानी टोटल अमाउंट का 5%, यानी टोटल अमाउंट आया 40000, 40000 का 10% 4000, और 4000 का आधा कर दीजिए तो क्या जाएगा 2000, यानी 2000 डिस्काउंट मिला है इसको, डिस्काउंट आपने, आपको मिला है कि आपने दिया है,
परचेज करें तो मिला होगा, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट मिलना इसका नेचर क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव होता है कि एडिटिव होता है? सब्ट्रैक्टिव मतलब घटाना और एडिटिव का मतलब जोड़ना। डिस्काउंट क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, घटता है ना, डिस्काउंट क्या होता है, घटता है ना, इसलिए माइनस लगा के 5 लिख देंगे तो अपने आप 5% हो जाएगा। कितना आ गया, 2000 रुपए आ गए। हाँ, और अब क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद आएंगे और क्या कह रहा है कि उस पर पैकिंग चार्ज भी लग रहा है, कितना का, 250 का। तो यहाँ बनाइएगा ऑल्ट सी से, क्या बनाएंगे, पैकिंग चार्ज। अच्छा, पैकिंग चार्ज का अंडर ग्रुप क्या होगा, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कितना लग रहा है, 250 रुपया, परसेंट में तो है नहीं इसलिए अमाउंट में लिखेंगे 250 रुपया, क्योंकि यहाँ जब परसेंट मिलेगा तो यहाँ लिखते हैं, अमाउंट में लिखता है तो यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, ये पैकिंग चार्ज क्या होगा, अमाउंट में जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा, इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 250 रुपये हो गया। उसके बाद क्या लिया हुआ है, कुछ नहीं है, उसके बाद से लगा देंगे आप CGST, उसके बाद से SGST, और 24 पैसे का अंतर आ रहा है, राउंड अप आ रहा है तो राउंड अप लगा दीजिए, अपने आप ले लेगा। अब हाँ, अपने आप देखिए घटा लिया ना, राउंड अप एक बार अमाउंट घटाता भी है बढ़ाता भी है, लेकिन उसका अंडर प्रूफ बाय डिफॉल्ट क्या रखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखते हैं। देखिए तो आ गया सही अमाउंट 45092, सही आया है, 131 आया ना यहाँ पे, 42 अकाउंट। हाँ, तो आपको पता है बात ना कि परचेज करेंगे तो अलाउ होगा कि रिसीव होगा, समझ गए ना कि क्या मिसमैच है। सही कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, अगर यहाँ डिस्काउंट को करके क्या कर देंगे, और अभी यहाँ पे आएंगे डिस्काउंट पे, कंट्रोल इंटर कर दिया, और जो आपने यहाँ प्रोसेस किया हुआ है, क्या प्रोसेस किया है, इस पे जीएसटी जो नॉट अप्लीकेबल है इसको अप्लीकेबल कर देंगे, या बस अप्लीकेबल कर दिया और यहाँ पे गुड्स लेके काम कर लिया। तो देखिए अभी अमाउंट जितना आप कह रहे हैं उतना आ जाएगा, देखिए अभी देखिए 36 बढ़ जाएगा, देख रहे हैं ना, इसीलिए याद रखिए हमेशा मैं कहा था यहाँ पे क्या रखना है, कंट्रोल इंटर करके यहाँ पे, हाँ आएगा, देखो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर दिए, नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ भी अगर नॉट अप्लीकेबल है तभी देखिए क्या अंतर आता है, अभी भी देखिए क्या अंतर आएगा, 36 वही आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो उसको क्या करते हैं, नीचे वाले को भी वो स्टेप फॉलो करते हैं, क्या यहाँ पे क्या लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे जीएसटी, यहाँ गुड्स, यहाँ रिटर्न, देखिए अमाउंट सही आ रहा है, वहां पे जब गलत लिया हुआ है गलत आएगा, इधर अलाउ तो होगा ही नहीं। आप दो को ये आसानी से बताया कि परचेज में रिसीव्ड होता है, अलाउ नहीं होता है, तो सही कर लिया। कितने का अंतर आ रहा है, ज्यादा पैसे का अंतर आ गया, 1 रुपये का आ रहा है बस ना, नहीं ज्यादा आ रहा है यार, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या। अच्छा नॉर्मली सोचिए कि 40,000 का सामान था और 2,000 निकल गया, कितना बचा, 38,000, और 38,000 का कितना परसेंट निकालना है, 18% निकालना है ना, अभी चेक कर लेते हैं, हो सकता है हम कुछ गलती हुई, चेक कर लेंगे, सही कर लीजिए आपको कोई बात नहीं है, 38,000 बूढ़े 18 भागा 6,680 और डिवाइड कर दीजिए किससे, 234,420, कितना आ रहा है हमारा, 21 आ रहा है ना, सही आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, कुछ आप लोग सोचिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरी बात, सब ध्यान सुनेगा, कितने का सामान ले रहे हैं आप लोग, 40,000 रुपये, उसमें कितना डिस्काउंट हो गया, ये कितना आप खरीदे हैं, 38,000 रुपये लेना। अच्छा कितना टैक्स देंगे इस पे, 18 में 00 का खत्म हो गया, 380 × 18 मोबाइल में निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, मैं कर दे रहा हूँ।
340 क्या है टोटल टैक्स है, लेकिन यहाँ क्या लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, इसको आधा डिवाइड कर दिए दो से 34 20 हम लोग करीब मतलब हम लोग करीब है कि वो करीब है देखो तो जुटा ही ना है। अच्छा सॉरी जोड़े नहीं यार कितना गया 38 40 था ना 38,000 था ना 38,000 सॉरी सॉरी और कितना चार्ज है इसमें 250 रुपया है ना अब सही होगा 705 2 1 अब देखिए लो 38,250 हो गया 38,250 यानी यहाँ चेंज करिए क्या हो जाएगा 38,250 × 18 / 100 एक जीरो से जीरो खत्म हो गया हाँ अब बता क्या 3825 × 18 / कितना आ रहा है 68,85 आ गया ना अब डिवाइड करिए दो से तो 3,842 हम लोग गलत आ रहा है हम लोग गलत आ रहा है फाइल में सही दिया होगा फाइल में सही है हम लोग गलत आ रहा है क्यों गलत आ रहा है ये देखना पड़ेगा यही दिक्कत है थोड़ा सा गलती होता है पूरा फंसा देता है पूरा सॉरी मेरी गलती थी क्या क्या गलती किया हूँ मैं अभी जस्ट मैं क्या बोला हूँ वही बात बोला वही काम मैं किया है अभी जस्ट मैं बोला हूँ किसी भी चार्ज पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है जस्ट बोला हूँ और दिखाया भी हूँ ये अप्लीकेबल नहीं होता है जैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे एक बार फिर से इसमें देखे जाए अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे अमाउंट गलत आ रहा है कितना है ये 3442 आना चाहिए ना तो एक गलती हुई हमसे क्या गलती हुई पैकिंग चार्ज पे मैंने जस्ट बोला ना कि जो भी जीएसटी की जगह पे जगह लेते हैं जैसे कि पैकिंग चार्ज हो गया या पैकिंग मटेरियल हो गया या कोई भी एक्सपेंस हो गया या कोई डिस्काउंट हो गया सब पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता है बस टैक्स पे अप्लीकेबल रहता है कंट्रोल इंटर करिए यहाँ जो आपने किया अप्लीकेबल फिर से इसको वही काम नॉट अप्लीकेबल यहाँ क्या लेंगे जीएसटी यहाँ क्या लेंगे गुड्स यहाँ क्या लेंगे बेसन पे अब इंटर करिए तो आ गया अपने आप राउंड सब मैच करिए कि नहीं मैच करिए समझना की बात ना तो ऐसे करेंगे नहीं किया तो आज बनाया है पहले से ना तो बोला पैकिंग चार्ज आज ने बनाया है पहले से कहा तुम्हारा है जैसे मैं पैकिंग चार्ज बोला हूँ जैसे देखा अप्लीकेबल है तभी समझ गया हूँ यही सिर्फ काला ठंडा है समझा की बात ना तो आप लोग नोट कर लीजिए क्या पैकिंग चार्ज कर लीजिए तो बनाएंगे आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग भी कि पैकिंग चार्ज का लेजर तो बनाएंगे आप लोग पैकिंग चार्ज का लेजर बनाएंगे लेकिन क्या करेंगे ये सारा लिख लीजिए सारा प्रोसेस फिर से कहाँ तुम चले तो आपको बताते हैं मैं जाने वाले पाता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है
क्या कर लेना है नॉट अप्लीकेबल जीएसटी गुड बेस ऑन में करेंगे इस पे पैकिंग चार्ज याद रखिएगा पैकिंग चार्ज नहीं और कोई भी चार्ज आएगा कैसा भी चार्ज आएगा उस पे इस प्रोसेस हमें करना ही करना है जीएसटी नॉट अप्लीकेबल उसके बाद जीएसटी गुड बेस ऑन में ये तीनों स्टेप करेंगे तभी आपका सही आएगा नहीं तो नहीं आएगा पहले बता दे रहा हूँ कितने कैसे भी चार्ज आएंगे आगे हो सकते और भी चार्ज आए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया आप देखते हैं क्वेश्चन हमारा सही हो गया कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया ठीक है आप लोग बहुत सुस्त लग रहे हैं क्यों अच्छा इसलिए नींद आ रही है हाँ बंद करके बैठ के पढ़ते सुबह सुबह कौन सोचता है अभी सारी दर्द हो रही है नींद तो मम्मी आनी चाहिए हो गया अब देखिए जान से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए जान से अगला है एक्सपेंस लेजर क्या है एक्सपेंस लेजर जैसे वही समझाया है कि पैकिंग चार्ज कैसे बनाना है तो फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज कि नॉट अप्लीकेबल रहेगा जीएसटी रहेगा वो यहाँ बोथ ले लिया है कि चाहे बोथ क्यों लिया है सुनिएगा पैकिंग चार्ज आप सर्विस पे भी हो सकता है सर्विस पे कहाँ होगा फिर जो भी है इसलिए आप जीएसटी और गुड जो भी है ले लीजिएगा ठीक है एक क्वेश्चन ये देखिए इतना बड़ा आइटम है बाप रे एक और बनाना पड़ेगा इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देख रहे हैं ना इसमें भी यही सेम फंडा करेंगे जीएसटी नॉट अप्लीकेबल जीएसटी गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू अब कितने आइटम है देख रहे हैं ना आप लोग दो चार दो छह चलिए करके दिखाए ना पार्टी का इनवाइस नंबर टेक्स 99 पार्टी का नाम है एक एंटरप्राइजेस एक एंटरप्राइजेस जो एमएस लिखे हुए थे एमएस एक एंटरप्राइज वही है एमएस एक एंटरप्राइजेस वही एक एंटरप्राइजेस है ठीक है अलग नहीं है इन्हें अलग बना लिया गया आपको अब लोकल होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का है आइटम का नाम देखिए क्या आइटम है पहला आइटम हो गया कैनन स्कैनलाइट होता है क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पहला हम कर लिए दूसरा ना करे गलती से तीसरा कर लिए तो ये नहीं परेशान नहीं होना है आइटम जो हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बस होने चाहिए कैनन लाइट स्कैनर है क्या बनाएंगे कैनन लाइट स्कैनर लोकेशन वेयर हाउस कितना पीस है दो पीस है रेट 2500 अगला आइटम डेल 1220 डीएलपी प्रोजेक्टर है वेयर हाउस क्वांटिटी दो पीस रेट नेक्स्ट आइटम का नाम हाँ 380 ना प्रिंटर है अरे वेयर हाउस 5 पीस बताइए उसके बाद बताइए इंडेक्स आईडी है इंडेक्स आईडी हाँ कितना है 10 पीस हाँ 900 नेक्स्ट बताइए हाँ रैम हाँ क्वांटिटी रेट 450 नेक्स्ट WD हाँ क्वांटिटी रेट लेकिन सब हो गया ना इंटर करेंगे अब यहाँ पे जब टोटल अमाउंट नीचे आ जाएंगे तब लगाएंगे क्या पैकिंग चार्ज क्या लगाएंगे
पैकिंग चार्ज कितना परसेंट है? डिस्काउंट भी दिया है, 5% डिस्काउंट दे दीजिए। डिस्काउंट 5% का क्या लिखेंगे यहाँ पे? पैकिंग चार्ज से पहले लिख लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड के अलाउ, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5%। उसके बाद से क्या है? पैकिंग चार्ज है। पैकिंग चार्ज कितना है परसेंट में है? परसेंट है ना, 2%। तो माइनस लगा के लिखेंगे बिना माइनस के। हाँ ठीक है। उसके बाद से अर्थ सी करके बनाएंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, नॉट एलवीबी। और यहाँ पे जीएसटी, यहाँ गुड्स, यहाँ बेस्ट ऑन वेज। पता नहीं क्या है ना, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। कितना परसेंट है? 5% है। प्लस की माइनस, माइनस क्यों लगाएंगे भाई? भाड़ा लग रहा है तो माइनस हो जाएगा। आगे अमाउंट देखिए, अब क्या लगा देंगे? देखिए मैच कर रहा है, देखिए तो सही है। ये एग्जैक्ट मैच किया है, और इसको क्या करेंगे? नो ही रहने दीजिए और एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे ही आपको करना है आज। एक मिनट दे, और एक और है ना, लास्ट वाला। और बता दे, ठीक है, जैसे आप लोग।